हाय गाइस, कैसे हैं? चलिए, आपने इसके पहले के वीडियो में देखा था इंग्लिश लेटर राइटिंग, और वह आपके पेपर पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ए फॉर 5 मार्क्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी, वो भी 5 नंबर के लिए। वो है, नाम क्या है? डायलॉग राइटिंग। क्या है? डायलॉग राइटिंग। अब ये वो पुराने पैटर्न का, पुराने जमाने का, बाप ये दादा के जमाने का डायलॉग राइटिंग नहीं है। पहले कुछ और होता था। आज का डायलॉग राइटिंग इतना सिंपल है कि उसके मार्क्स पड़े हैं, कुछ नहीं करना। उसके मार्क्स ऐसे पड़े हैं और आपको उठाना है, उठा के जेब में डालना है, मिल जाए नंबर। आइए देखते हैं कैसा वो। बहुत सिंपल है, हर बच्चे, हर स्टूडेंट इसका नंबर आसानी से ले सकता है। कैसे? देखिए, ये जो आपका डायलॉग राइटिंग है, इसके 3 पार्ट किए गए, इसके 3 उप पार्ट है। सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए फॉर 1 मार्क, बी फॉर 1 मार्क एंड सी फॉर 2 मार्क्स। अब इन तीनों पे हम बारी बारी चर्चा करेंगे और आप बताएंगे, आप दिखाएंगे कि ये आपके लिए कितना आसान हो सकता है, आपके लिए ये कितना आसान हो सकता है। सिर्फ मैं बोल के नहीं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। हर कोई इस क्वेश्चन का नंबर ले सकता है, हर कोई इस क्वेश्चन नंबर पा सकता है 100%। ये ऐसी एक्टिविटी है कि आपके लिए भी आसान होगी। चलिए, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका इस बात को आगे बढ़ाने में, आते क्वेश्चन पर। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पुट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर विद देयर मीनिंग। यहां पर आपको दोस्तों 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन आंसर के रूप में रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया जाता है, उसी को आपको प्रॉपरली लिखना है, सही क्रम में लिखना है। सही क्रम से लगा देंगे नंबर पा गए आप, बात समझ भाई। अगर उन प्रश्नों को आपने सही क्रम से लगा दिया, ऑर्डर सीक्वेंस उनका तारतम्य क्या है, लगा दिया, तो 1 मार्क्स आपका हो गया। और आपने किया कुछ नहीं, नंबर उठा लो अपना, नंबर उठा के घर चले जाओ, है ना, आसान। चलिए ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर बी, ये तो और भी आसान, और भी आसान। क्यों आसान? इसमें 2 कन्वर्सेशन करने वाले पर्सनालिटीज होंगे, उनका नाम ए बी होगा, सी डी होगा, के एम होगा, राहुल सुनीता होगा, विनीता गीता होगा, कुछ भी नाम दो दे देंगे। अब 4 लाइन रहेगी, एक लाइन में आपका क्वेश्चन रहेगा ए में, कुछ भी क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन के बेस पर आपको आंसर लिखना होगा, बात समझ में। क्वेश्चन आपका यहां पर है और उसके आधार पे आपका क्वेश्चन लिखना है, छोटा क्वेश्चन, एकदम छोटा आंसर आपको लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। फिर एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर लिखना होगा, ये भी एक नंबर का हो गया, बात समझ भाई ना। अब माने ये तो आसान था ही, पाला ऑर्डर लगाना चाहिए, उससे भी आसान आपका बी वाला हो गया, क्योंकि क्वेश्चन देख कर आंसर लिखना है आपको, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। आई एम प्रूफ कर दिखाएंगे इसको। अब लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, कितने? 3 मार्क, 3 नंबर का, माने ए 1 नंबर के लिए, बी 1 मार्क के लिए और सी 3 मार्क के लिए। इसमें क्या करना होगा? बहुत सिंपल होता है, इसमें हमें पेपर के किसी नियम कानून से बंधना, इसमें तो नियम है, सही क्रम लगाओ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसमें सेंटेंस बनाओ, इसके पर क्वेश्चन के आधार बनाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे इसमें ना, इसमें क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में, बाप का राज होता, बाप का मनमानी। 6 लाइन बना दो, 6 कैसे बनाओगे? इसमें दिया जाएगा, राइट अ डायलॉग इन मिनिमम 3 एक्सचेंजेस। डायलॉग लिखना है कम से कम 6 एक्सचेंज। 6 एक्सचेंज का मतलब होता है कि 6 लाइन, 1 क्वेश्चन 1 आंसर, ये 2 एक्सचेंज माने जाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर, माने कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आंसर, 3 पेयर में 6 लाइन हो जाएंगे। और आगे यहां पर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक होगा द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर स्टडीज, इंपॉर्टेंस ऑफ राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर मान लो तुम और तुम्हारे पापा कोई पिक्चर देख कर आ रहे हैं, उस पर आधारित आपको एक डायलॉग बनाना है,
कितना सिंपल होता है ना। तो इस पर हम आप चर्चा करेंगे आगे, इसमें कैसे हो सकता है। अब आगे एक एक वीडियो का, एक एक क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन का मैं आपको प्रूफ दूंगा, आप किस तरीके से कैसे इसको अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या है। ये देखिए आपके सामने आपका क्वेश्चन है, पांचवी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बी डायलॉग राइटिंग में तीन सब क्वेश्चन है। तीन में जो पहला है, पहले में क्या बताया था, पुट द सेंटेंसेज इन प्रॉपर ऑर्डर एज पर इट्स मीनिंग। इसकी मीनिंग के आधार पर शब्दों को, वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। यहाँ पर आपके लिए दो एग्जाम्पल बताऊंगा, वन टू एग्जाम्पल्स ना, अब आप समझ जाएंगे उसमें, पूरा समझ जाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जाइए, सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर ये मुझे समझ में आया। आप जितने एग्जाम्पल बोलोगे उतने एग्जाम्पल मैं फिर आपसे आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ थोड़ा सा यहाँ स्पॉट दिख रहा होगा आपका, ये रिंग लाइट का है, इसको हटाने थोड़ा सा धूमिल हो जाता है, इसको थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। आइए पुट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर, माने कौन सा क्वेश्चन है, ए, कितने मार्क के लिए, वन मार्क के लिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसको एक सीधा से सीधा स्टूडेंट तो सिंपल भी अगर पढ़ सकता है सेंटेंस को, तो इसको सही क्रम में लगा सकता है, कुछ नहीं करना है। वहां पर वन टू थ्री फोर चार सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको कौन सेंटेंस पहले आएगा उसके बाद कौन सा आएगा यही देखना है। आइए देखते हैं, आई एंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव द मोस्ट। अब पहली बात ये देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है, दो आंसर है, इतना तो पक्का है, 100% है, स्टार्टिंग में आंसर नहीं होगा, शुरू शुरू में क्वेश्चन होगा तब जाकर आंसर होगा। तो क्वेश्चन दो है, पहला है हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, आप अपना लेजर टाइम कैसे बिताते हैं, आप अपना खाली वक्त कैसे बिताते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, कौन से प्रकार की किताब पढ़ते हो। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं, ये क्वेश्चन सुटेबल लग रहा है, कि किस प्रकार की किताब आप पढ़ते हैं ये लग रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हमको ये आएगा, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, आप अपना समय कैसे बिताते हैं, आप अपने खाली वक्त को कैसे बिताते हैं। अब इसका आंसर देखो, दो आंसर यहां पर दिया गया, कौन सा होगा, पहला यहां पर देखिए, आई इंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव मोस्ट, मैं डिटेक्टिव किताबें पढ़ता हूं, या आई लाइक टू रीड इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करता हूं। अब देखो फ्री है या लेजर है, दोनों की मीनिंग सेम है, इसका मतलब पहले आप सेकंड नंबर का सेंटेंस देखेंगे अपनी बुक में, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, अपना आप लेजर टाइम फ्री टाइम कैसे बिताते हैं। फिर आंसर देता है आई लाइक टू रीड इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में क्या करता हूं, पढ़ता हूं। अब फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक, कौन से प्रकार की किताब पढ़ते हो भाई तुम, किस प्रकार की। उसने बताया मैं किताब पढ़ता हूं, किताब पढ़ के टाइम बिताता हूं। अब ये फिर पूछता है कौन से प्रकार की किताब, कैसी किताब पढ़ते हो, तो आप तीसरे नंबर भी ये हो जाएगा, ठीक ना। अब बचा है एक, चाहे मीनिंग से जाओ, अच्छा वैसे मनमानी लिख लो, हो जाएगा। चौथा तब क्या आएगा, आई एंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव द मोस्ट, हो गया वन मार्क का, लिखने में आपका 10 से 15 सेकंड जाता है, आधे मिनट मान लो, एक मिनट मान लो, इसमें आपको इस क्वेश्चन 15 मिनट का टाइम मिलेगा, बोर्ड ने दिया है एक मिनट दे दो इसमें। तो आपने क्या किया, पहले नंबर पर दूसरा सेंटेंस आएगा, अब यहां पर नंबर ही मत करने, नंबर एक दो इसको लिखना, पहले हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, उसके बाद का सेंटेंस होगा आई लाइक टू रीड इन माई फ्री टाइम। फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक, किस प्रकार किताबें आप पसंद करते हैं, ये बोलेगा आई एंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव बुक, मैं डिटेक्टिव किताबें पढ़ना पसंद करता हूं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ध्यान रखिए दोनों नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, मैंने आपको समझाने के लिए दो एग्जाम्पल लिया है। इसमें भी चार लाइन है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इसमें पहले कौन लाइन आएगी, पहला है इन ए लोकल एट दादर क्षेत्रीय में,
आई डोंट बिलीव इट मस्ट बी र्यूमर, मैं विश्वास नहीं करता यह र्यूमर अफवाह है। हैव यू हर्ड अबाउट द बम ब्लास्ट, क्या आपने बम ब्लास्ट के बारे में सुना? नो बट वेयर डिड इट टेक प्लेस, नहीं लेकिन यह हुआ कहा? अब ये बताइए, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, मतलब क्वेश्चन यह तीसरा और चौथा है, पहले कौन सा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको? क्या आपने बम ब्लास्ट के बारे में सुना कि नहीं? नहीं कहां हुआ? क्या लगता है ये होगा? हैव यू हर्ड अबाउट द बम ब्लास्ट, क्या आपने बम ब्लास्ट के बारे में सुना? उसके बाद में ये प्रश्न पूछता है, क्या आपने बम ब्लास्ट के बारे में सुना? उसके बाद क्या आना चाहिए? दादर लोकल में मैं नहीं मानता ये र्यूमर है कि आएगा। नो बट वेयर डिड इट टेक प्लेस, यही आएगा। पहले आप लिखेंगे हैव यू हर्ड अबाउट द बम ब्लास्ट, फिर आएगा नो बट वेयर डिड इट टेक प्लेस, लेकिन ये हुआ कहां? अब ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन साथ में आके ध्यान देना है, पर दो क्वेश्चन आ गए। अब क्या होगा, एक पुस्तक कहां पर हुआ, तो उसका आंसर ये है इन ए लोकल एट दादर, दादर लोकल में, इन लोकल एट दादर, दादर लोकल में हुआ। फिर ये बोलता है आई डोंट बिलीव इट मस्ट बी र्यूमर, मुझे नहीं लगता ये र्यूमर हो सकता है, अफवाह हो सकती है। बासन भाई, इस प्रकार से आपका ये एक नंबर का काम हो जाता है, ठीक है बासन भाई। आइए हम आपको लेकर चलते हैं बी में। आपके सामने बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन में आप क्या बताया गया है, इसमें दो लोग होंगे, उनका नाम ए बी करके हो सकता है, कुछ नाम दे सकता है, एक क्वेश्चन पुटअप करेगा, दूसरा उसका आंसर देगा। क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आंसर लिखना होता है, लेकिन ध्यान देना इसमें, ये आंसर लिखने के पहले नीचे का एक क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि इस आंसर का संबंध ऊपर के भी क्वेश्चन से है, नीचे के भी है। अभी बता रहा हूं कैसे। एक पूछता है वेयर डिड यू गो फॉर पिकनिक रिसेंटली, अभी हाल में पिकनिक आप कहां गए थे, किधर गए थे? ये पूछा भी से, अभी हाल में ही जल्दी में ही आप पिकनिक गए थे, किधर गए थे? तो ये पूछेगा, ये आप आंसर देगा, एक आंसर बता दो, कोई भी पिकनिक स्पॉट का नाम जानते हो बता दो, ठीक ना? तो बोलेगा ये देखना, मैं लिख देता हूं आई है। अब एक काम और सुन लो ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन जिस टेंस में है उसी टेंस में आंसर भी देना। अब ये पास्ट में है ना, पास्ट में देना, आई वेंट कर दो, आई वेंट टू कहा, माथेरान, रिसेंटली। अब एक बात और सुन लो, ये माथेरान कोई आंसर नहीं है कि मैंने यही सब लिखना है, आप अपने मन से जिस शब्द को, जिस पिकनिक स्पॉट को जानते हैं उसका नाम लिख देना, ठीक है? अब ये पूछता है व्हाई डिड यू चूज दैट स्पॉट, आपने उस स्पॉट को ही क्यों चुना, कहीं और क्यों नहीं गए? ये प्रश्न होता है ना, आप माथेरान ही क्यों गए? तो आप लिखेंगे बिकॉज, क्यों, जब बुआई है तो निकाल हो गया, क्योंकि क्योंकि इट इज जस्ट नियर टू माय होम, नंबर एक ना, देयर इज ए नेचुरल सीनरीज, नेचुरल ब्यूटी, इट नेचुरल सराउंडिंग्स, वी हैव टू सी सनसेट एंड सनराइज, मान इतनी चीजें हो सकती हैं, यह प्राकृतिक दृश्य है मुझे अच्छा लगता है, यहां पर सारी सीनरीज अच्छी लगती है, यहां पर हमको सनसेट और सनराइज देखना था, इस प्रकार का आंसर लिख करके आप लोग इसका आंसर निकल सकते हैं और आपका एक नंबर मिल जाएगा। तो सोचिए, है ना सिंपल, सिंपल है ना, मैं आप पूछ रहा हूं, सिंपल है ना, हाँ वेरी गुड, सिंपल है, इसे आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में नंबर लेने को तैयार हो जाओ। आइए हम चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन तरफ, जो उसका नाम सी है, उसमें कैसे लिखेंगे थोड़ा डिटेल देखना, क्योंकि वो 3 मार्क्स का है। अब तक आप लोगों ने जो ए और बी पढ़ा है वो 1 मार्क्स इस एक नंबर के लिए होता है, अभी जो सी पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो 3 मार्क का है, उसको आप ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इसको हम कैसे करें, ध्यान रखना ये 3 मार्क्स का है। अब तक आपने जो ए देखा, बी देखा, 1 मार्क्स इस था, अब ये 3 मार्क का है, इसको बनाने में थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत होती है और ढेर सारी आइडिया की, ठीक है ना? थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी जानकारी और ढेर सारी आइडिया की। आइए हम आइडिया बात करते कैसे करेंगे।
क्वेश्चन है, राइट डायलॉग आ मिनिमम सिक्स मीनिंगफुल एक्सचेंजेस ऑन द टॉपिक दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। अब जरा ध्यान देना, कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछ देता है, यू एंड योर फादर जस्ट हैज कम आउट फ्रॉम द स्टेडियम फ्रॉम द क्रिकेट ना, देन देयर इज ए डिस्कशन, देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर पापा ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। अगर ऐसा किसी दो व्यक्ति को दे दिया जाता है तब आप यहां पर दिखाएंगे मी माइसेल्फ, मी पापा या पापा मी करके, या किसी का नाम दे दिया जाता है तो नाम के आधार पर कर लेना, बात समझ में ना। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा दिया ही नहीं गया है तो आप यहां पर ए बी सिंपली डाल करके लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले लिखेंगे ए। अब यहां क्या है, आपको सिक्स एक्सचेंज लिखने हैं, टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक। अब यह धगी बात है, आप लोगों को थोड़ा सा सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए आज मैं सिर्फ आंसर पे नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी पर जाऊंगा, एक आपको आइडिया दूंगा, वो आइडिया कम से कम चार पांच क्वेश्चन पेपर ले लेकर के आप उसमें उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप अपने मन का सेंटेंस डाल सकते हैं। देखिए क्या देखते हैं, पहले आप ऐसे कोई क्वेश्चन पूछवा लीजिए, क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा है, व्हाट वुड यू लाइक टू से। अब ध्यान देना, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मैटर हो, कहीं का भी कन्वर्सेशन है, आप ये क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट, अबाउट क्या जो टॉपिक रहेगा। अब यहां तो मैं लिखूंगा ही इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम्स, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। बात समझ आई, समझ आया ना। पहला क्वेश्चन फिक्स कर लो, सिर्फ यहां चेंज होगा ये टॉपिक जो दिया जाएगा, बाकी आपका क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से आप यहां पर दे सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटर बाइक, जो भी रहेगा टॉपिक यहां पर दे सकते हैं। आइए इसका आंसर क्या देगा बी, अब बी इसका आंसर दे देगा इसी क्वेश्चन के आधार पे। अगर आप पूछते हैं क्या आप इन गेम्स के इंपॉर्टेंस पर कुछ कहना चाहेंगे, बोलेगा यस, हाँ यस, वी कैन गेट ए लॉट ऑफ थिंग्स बाय गेम्स फ्रॉम द गेम थिंकर, फ्रॉम द गेम्स बोलता हाँ हम लोग बहुत कुछ पा सकते हैं गेम से। आप यहां करते हैं वी कैन गेट ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द स्पोर्ट गेम्स स्टडिंग फ्रेंडशिप, जो ऐसा कुछ भी टॉपिक डालो तुम्हारा हो जाएगा। हाँ अगर चेंज करना चाहते तो कर सकते हो, यस गेम्स प्रोवाइड अस ए लॉट ऑफ थिंग्स, गेम हमको बहुत कुछ देता है, या वी कैन गेट ए लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ भी आगे पीछे करके थोड़ा सा चेंज करके आप इस सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। आपका यहाँ पर दो एक्सचेंज हो गया, अभी चार की बारी है, दो एक्सचेंज मतलब छह एक्सचेंज करने हैं, दो हो गया। अब देखो ये पूछता है क्या आप गेम्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आपने क्वेश्चन बना लिया, वो बोलता हाँ हाँ बहुत कुछ होता है, नाम नहीं दिया तो भाई यहां पर खुलवा देना ए। ए क्या बोलेगा, वुड यू लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स, क्या आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे, ये पूछता है क्या आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे, तो बी बोलेगा व्हाई नॉट, बी क्या बोला क्यों नहीं, क्या लिखो यस ऑफ कोर्स, जो भी आप चाहे, गेम्स प्रोवाइड अस हेल्थ एज वेल एज
एज वेल एज वेल्थ। हमें गेम जो है ना हेल्थ भी देता है वेल्थ भी देता है। ठीक देखो पहली बार जब आप डायलॉग लिख रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस लिखना, बाद में आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे यू कैन डू व्हाट यू थिंक इन लाइफ। ठीक है ना, बाद में। अब देखना हमारे चार एक्सचेंजेस हो गए, अब पांचवे की पांचवे चलते हैं। पांचवा एक्सचेंज हमको करना है तो मैं मिटाऊंगा यहां पर। ठीक है, अब देखना तो यहां पर आपने देख लिया उसने कहा कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे, उसने कहा हाँ देना तो चाहता हूं मैं, ढेर सारा एग्जांपल है। तो अब फिर एक ही बारी आती है ना, ये बोलता है एंड और क्या, इतने तो बता दिया है थोड़ा, और क्या मिलता है एंड गेम्स प्रोवाइड अस नेम एंड फेम। हमको नाम और यश भी मिलता है, या लिख सकते हो वी कैन गेट नेम एंड फेम फ्रॉम द गेम्स। तो भी ये बोलेगा लास्ट में एस यू आर राइट, यू आर राइट, आप ठीक कहते हैं। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि दैट वी कैन से दैट द गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का भी हो गया है। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आप 3-4 पेपर इकट्ठा कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पेपर चट लीजिए और सब में जाइए क्वेश्चन नंबर 5 भी में और करके देखिए तो कैसा आपको लगता है। जैसा आपको लगे आप कमेंट बताना जरूर। एक बात बताना और चाहूंगा, कुछ बच्चों को देखा है मैंने काफी दिक्कत से, वो क्या करते हैं डायलॉग राइटिंग में 6 एक्सचेंज सुन लिया, उन्होंने 6 एक्सचेंज करने बड़ा सिंपल सा है। ए पढ़ गए ए, हेलो बी हाउ आर यू, बी यस आई एम फाइन, अरे हेलो हाय, ये सब फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। एग्जैक्टली आपको मुद्दे पे आना है। मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट। उसमें हाय हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज सो एंड सो, योर नेम इज वेरी गुड, ये सब में कुछ मत जाना। इनका एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा असर पड़ेगा। इसलिए आप जब भी लिखेंगे इसमें जो एक्सचेंज लिखने हैं ओनली ऑन द टॉपिक, मुद्दा क्या है मुद्दे पे लिखेंगे। अब देखते हैं कितने लोग कमेंट आता है, कितने लोग समझते हैं। आप इसको पढ़ने के बाद में नंबर आपको लेना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5 पेपर आप अपने पास जमा कर रखिए, वो पेपर से अवेलेबल है मार्केट में, सारे बुक्स के रूप में होते हैं या पुराने पेपर के आपके पास पड़े होंगे, आपके दोस्तों के पास होंगे, उनसे पेपर ले लीजिए और करके इसको करने प्रयास कीजिए। उसके अलावा आपके होम एग्जाम होते हैं, आपके अगल बगल में जो स्कूल्स होंगे उनमें भी होम एग्जाम होते होंगे, सबका पेपर अलग रहता है। इस प्रकार से 4-5 पेपर इकट्ठा करके आप इस क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और आपको पूरा नंबर निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। वैसे इसमें एक ऑप्शन और भी आपको मिलेगा स्पीच लिखने का, क्वेश्चन नंबर 5 में या तो डायलॉग या तो स्पीच। अगर आप स्पीच लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन स्पीच लिखने के जितना टाइम लगेगा उसके मात्र 1/4 में, अगर स्पीच लिखने में आप आधे घंटे लगाते हैं तो इसमें आपको 7-8 मिनट लगता है। 7-8 मिनट में आपको तैयार हो जाता है, इसमें गलतियां कम होती हैं, मिस्टेक्स कम होता है, नंबर आपको सॉलिड मिलते हैं।